الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، बुजुर्गों, भाइयों और अजीजों, मोहतरम ख्वातीन, माओं, बहनों और बेटियों, मुल्क की जो सियासी और समाजी सूरत हाल है उसका बहुत तफसील से जिक्र आ गया है। मैं उसमें किसी नई बात का इजाफा नहीं कर सकता। जो सूरत हाल है उससे आप भी वाकिफ हैं। हमारे मुकर्ररीन ने ज़्यादा वजाहत के साथ उनको पेश भी कर दिया है। मैं आपके सामने इस्लाम की बास तालीमात पेश करना चाहता हूँ और इस तवक्को के साथ पेश कर रहा हूँ कि आप इसे संजीदगी के साथ गौर करेंगे। मेरे दोस्तों और भाइयों और मोहतरम ख्वातीन, अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने इस्लाम जैसी नेमत हमें अता की है। इससे बड़ी नेमत का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम में से हर शख्स बादशाह वक्त हो जाए, इख्तदार उसके हाथ में आ जाए और इस्लाम की दौलत छिन जाए, तो खुदा की कसम वो कंगाल है। दुनिया की कोई नेमत, कोई दौलत, कोई सरमाया इस सरमाए का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि ये तुम पर अल्लाह का एहसान है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की तकमील हुई तो अल्लाह ने कहा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज जो दीन तुम पर अल्लाह के रसूल पर नाजिल हो रहा था वो मुकम्मल हो गया है। मैंने उसकी तकमील कर दी है और जो एहसान मैं कर रहा था वो एहसान आज पूरा हो रहा है। अल्लाह ने खुद कहा कि ये एहसान है तुम पर, और मेरा वो एहसान ये है कि तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मैंने पसंद कर लिया है। अब तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अगर मेरी रजा चाहते हो, मेरी खुशनुदी चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक रास्ता मैंने तजवीज़ कर दिया है। यह अल्लाह का एहसान है, और अल्लाह का एहसान ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा है। आपकी रहनुमाई बेखता है। कोई शख्स नहीं कह सकता
कि इस मामले में जो आपकी रहनुमाई है वो सही नहीं है। अगर कहे तो ईमान छिन जाएगा। अल्लाह ने कहा कि ये अल्लाह का एहसान है कि ऐसा पैगंबर तुम्हें दिया हमने। लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन यज़बअसु फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम। ये अल्लाह का एहसान है ईमान वालों पर कि उसने अपना रसूल तुम्हारे दरमियान भेजा है। अल्लाह का दीन इस्लाम की शक्ल में हमें मिला है, ये अल्लाह का एहसान है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रहनुमा हमें मिले हैं, ये भी अल्लाह का एहसान है। तो इस एहसान का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे दोस्त और साथियों, हमारी हैसियत ये है, हमारा मामला ये है कि जैसे किसी बादशाह की औलाद को बगैर मेहनत के जायदाद मिल जाए, इख्तदार मिल जाए, दौलत मिल जाए, ठीक इसी तरह हमारी कोशिश के बगैर हमें इस्लाम मिल गया। और अगर उस राजा का और बादशाह का जानिशीन नाहल है तो उसकी कदर नहीं करेगा, जाया कर देगा। मेरे दोस्तों और साथियों, यही हाल हमारा भी है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि कितना बड़ा सरमाया हमारे हवाले था, कितनी बड़ी दौलत हमारे हवाले थी। वो दौलत जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो दौलत मुफ्त में हमारे हाथ आई। हमने सोचा ही नहीं कि कितनी बड़ी दौलत हमें मिली है। मेरे दोस्तों, ऐसी भी कदरी होती उसकी ना होती, बल्कि एहसास ही होता है कि शायद हमें ख्याल भी नहीं आता कि अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत हमारे हवाले की है। अल्लाह ने की है, मेरे बाप दादा ने नहीं, आपके बाप दादा ने नहीं, अल्लाह ने की है। और अल्लाह कह रहा है ये नेमत है। जरा सोचिए मेरे दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या होगी। इसका तकाजा ये है कि आप इस दीन पर, अल्लाह की इस हिदायत पर, अल्लाह की इस हिदायत को आंखों से लगाएं। सहाबा इकराम के बारे में आता है कि उनको अगर मुसहफ मिलता, कुरान शरीफ मिलता तो आंखों से लगा लेते, सीने से लगा लेते, कहते ये मेरे खुदा की किताब है। और उनकी अमली जिंदगी में उसका सबूत भी मिलता। मेरे दोस्त और साथियों, इतने बड़े सरमाए की आप कद्र कीजिए। उसका तरीका ये बताया कुरान ने कि देखो ये जो तालीम हमने दी है इस पर पूरी तरह अमल करो, इसकी कदर यही है। इस सरमाए की, इस दौलत की कदर यही है कि इस पर पूरी तरह तुम अमल करो। कहा उदखुलू फी सिल्मी काफा। अल्लाह ने जो इस्लाम की दौलत तुम्हें दी है और इसके बारे में उसने कहा वह रजीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मेरी मर्जी चाहते हो, मेरी खुशी चाहते हो तो इस्लाम में है, साफ कह दिया उसने। और करना क्या है, कहा उदखुलू फी सिल्मी काफा, इस इस्लाम में पूरी तरह आ जाओ। उदखुलू फी सिल्मी काफा का क्या मतलब है? इसका एक मतलब यह है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी इस्लाम के ताबे हो जाए, जिंदगी का कोई गोशा ऐसा ना हो
जो अल्लाह की इताअत से बाहर हो और जिसमें आदमी अपनी मर्जी चलाए, किसी दूसरे का कानून चलाए, किसी दूसरे का हुक्म चलाए। कहा कि पूरी तरह आ जाओ, इख्तियार तुम्हारा किसी भी मामले में न रहे कि इस मामले में मैं इसका पाबंद नहीं हूं। कहा वला तत्तबियु खुतवात शैतान, ये रास्ता छोड़ोगे तो शैतान के पीछे चलोगे। और जानते हो इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तो तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारे बाप को जन्नत से निकाला, तुम्हारी मां को जन्नत से निकाला, उसके पीछे चलोगे। ये रास्ता छोड़ने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए फरमाया वमन याशुन जिक्र रहमान नुकय्यिज लहु शैतानन, जो अल्लाह की रास्ते से हिदायत से कोई मुंह मोड़ता है तो शैतान को मुसल्लत कर देते हैं हम उस पर। नुकय्यिज लहु शैतानन, शैतान को मुसल्लत कर देते हैं। फहुवा लहू करीन, वही उसका दोस्त होता है। तो फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरी तरह आ जाओ इस्लाम में, जो रास्ता अल्लाह ने दिखाया है उसे पूरी तरह कबूल करो। कोई रिजर्वेशन ना हो कि मैं इस मामले में अमल करूंगा कि इस मामले में अमल नहीं करूंगा। आदमी का इख्तियार उस वक्त होता है जब वो खुद अपनी चीज का मालिक हो। लेकिन हमारा वजूद, हमारी जान, हमारा माल, सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह ने ये सब कुछ हमसे खरीद भी लिया है। तो कहा कि पूरी तरह इस्लाम में आ जाओ। इसका दूसरा मतलब ये है, सब मिलकर आ जाओ। ऐसा ना समझे कि मैं जोर देने के लिए कह रहा हूं, यही इसकी तफसीर है। किसी भी आलिम से पूछ लीजिए। कहा कि सब मिलकर आओ, ये ना हो कि सब फलां साहब इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, फलां साहब इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, फलां गुरु इस्लाम पर अमल कर रहा है। नहीं, सब मिलकर आओ, तब अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। उदखुलू फिस्सिल्म काफा का मतलब यह है, सब दीन की पाबंद हो जाओ और सब मिलकर पाबंद हो जाओ। मेरे दोस्तों और साथियों, क्या ऐसा है कि हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है और सब मिलकर आ गए हैं? देखिए, इस्लाम ये नहीं चाहता क्या ये कहा जाए कि साहब फलां बुजुर्ग जो है औरंगाबाद में बैठे हुए हैं, फलां बुजुर्ग खुलदाबाद में मौजूद है, फलां बुजुर्ग जो है नागपुर में है, फलां बुजुर्ग जो है कानपुर में है। ये नहीं चाहता। ऐसे लोग तो होंगे, कभी दुनिया इनसे खाली नहीं हो सकती। वो तो ये चाहता है कि जिन बुजुर्गों का तुम जिक्र कर रहे हो हर शख्स ऐसा बन जाए। और दूसरी बात वो ये कहता है कि सब मिल कर आओ, तभी अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। हम कहते हैं कि दुश्मनों पर तो अल्लाह की रहमतें हो रही हैं, अगवियार पर तो उसकी रहमतें हैं, हम पर क्यों नहीं रहमतें हैं? तो अल्लाह ने कहा ना कि रास्ता तो यही है। कुरान ने कहा कि मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, मुझे भूलोगे तो मैं भूल नजरअंदाज कर दूंगा तुम्हें। तो कहा यह गया कि आओ पूरी तरह और सब मिलकर आओ। यही रास्ता है मेरे दोस्तों, यही रास्ता है। हमारी कामयाबी इसी किताब से वाबस्ता है, इसी दीन से वाबस्ता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत से वाबस्ता है। अगर हम सब लोग मिलकर आए और उसे अपना लें तो कामयाबी की गारंटी है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह ताला का वादा है, ईमान और अमल साले होगा तो दुनिया का इख्तदार तुम्हारे हाथ में होगा। और अल्लाह के वादे से ज्यादा पक्का किसका वादा हो सकता है? कुरान कहता है कि अल्लाह ने जो वादा किया
उस वादे से ज्यादा पक्का किसका वादा हो सकता है। तो एक बात तो ये है कि हम में से हर शख्स इस्लाम का नमूना बने। देखिए कमजोरियां हो सकती हैं हर शख्स की, हर शख्स के अंदर, लेकिन उसका टारगेट यह होना चाहिए, उसका हदफ यह होना चाहिए कि मैं इस्लाम का पाबंद रहूंगा। इंसान है तो कमजोरियों से पाक नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खताउन, आदम की औलाद तो गलती करेगी। आदम की औलाद है ये, हमारे बाप ने भी गलती की थी। वो खैरुल खत्ताईन तवाबुन, बेहतरीन गलतकार वो हैं जो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। कुरान में भी ये बात कही गई है कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون। ये वो लोग हैं, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कि अगर इनसे बेहयाई का काम हो जाए, देखिए साहिब ईमान हैं लेकिन बेहयाई का काम हो गया। बेहयाई का काम वो है जिसका किसी के सामने आप जिक्र नहीं कर सकते, शर्म आए, उसी को बेहयाई कहते हैं। ऐसा काम के जिसका जिक्र आप कहीं कर ना सके, उसी को बेहयाई कहते हैं। कहा कि अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी हो सकते हैं, कभी उनसे बेहयाई का काम हो जाए, या कोई ज्यादती कर बैठे अपने ऊपर या दूसरों दूसरों पर, तो अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह यह गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गई गलती, अब आइंदा नहीं करूंगा। वलम युसिरु अला मा फालू, गलती हो गई बार बार नहीं करेंगे वो गलती। वलम युसिरु अला मा फालू, जो कुछ किया गलती हो गई, अल्लाह मुझे नहीं होना चाहिए था, तेरी नाफरमानी हो गई है। तो कुरान कहता है कि अल्लाह ताला माफ कर देगा उनको। तो मेरे दोस्त और साथियों, बड़ी से बड़ी गलती हो सकती है और हमारे अंदर ये यकीन होना चाहिए, और हमें हिदायत ये की गई है कि गलती हो तो अल्लाह की तरफ रुजू करो। अगर किसी का हक मारा है तो हक अदा कर दो और अल्लाह से करो, रुजू करो कि अल्लाह आइंदा ये गलती नहीं होगी, इसी का नाम तबा है। तो कहा कि ऐसे लोगों पर तो अल्लाह की रहमत होती है, उनको अल्लाह ताला माफ भी कर देता है, तो गलतियों का तो इम्कान है, लेकिन इसके बावजूद हमारा ये इरादा होना चाहिए, इरादा नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा अज़्म होना चाहिए कि अगर गलती हो जाए हमसे तो कौन है जो ये कह सके कि मुझसे गलती ही नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दिन में 70 मरतबा मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तो आदमी से तो भूल चूक हो ही जाएगी, कभी जज्बात में कभी किसी वजह से, लेकिन जानते बूझते वो नहीं करेगा। तो फरमाया कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत है जो इसरार ना करे और ये ना कहें कि सब मुझे इसी पर अमल करना है। एक बात तो ये मैं आपसे अर्ज करनी है मुझे कि इस नेमत की कदर कीजिए, सोचिए थोड़ी देर के लिए, आंख बंद करके सोचिए, लेटे लेटे सोचिए कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने हमारे हवाले कर दी है। मैं कहता हूं कि अगर आप सोचेंगे तो खुशी से आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, और अगर आपको यह एहसास हो कि इस नेमत की हमने कदर नहीं की तो रोने लगेंगे।
लेकिन अफसोस कि वो सरमाया मिल गया हमारे और हम जाया कर रहे। तो पहली बात तो कुरान ये कहता है कि ये नेमत है, ये एहसान है अल्लाह का, इसकी कदर करो, और इसकी कदर करना हम सब के लिए लाजिम है। दूसरी बात कुरान ने यह कही कि मोमिन की यह पहचान है कि कोई भी मसला हो जिंदगी मसाइल का नाम है, जमादात और नबादात के तो शायद मसाइल ना होंगे लेकिन इंसान की जिंदगी तो मसाइल ही का नाम है। सुबह से शाम तक मसाइल होते हैं, फर्द के भी होते हैं, खानदान के भी होते हैं, जमात के भी होते हैं। अब सवाल सिर्फ यह है कि इन मसाइल का हल क्या है। हमारे दरमियान जो सवाल पैदा हुआ, मेरे और आपके दरमियान कोई मसला पैदा हो गया, आपके और आपके दरमियान कोई मसला पैदा हो गया, मियाँ बीवी के दरमियान पैसा मसला पैदा हो गया, माँ बाप और औलाद के दरमियान मसला पैदा हो गया, रिश्तेदारों के दरमियान मसला पैदा हो गया, मुल्क के शहरियों के दरमियान पैसा मसला पैदा हो गया, तो करें क्या? तो कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए सही रास्ता ये है कि तुम अल्लाह की हुक्म को फैसला कुन मानो। ये ना देखो कि दुनिया क्या कहती है, बल्कि तुम्हारे सामने तो ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह का कानून क्या है। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम अन यकूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन, अहले ईमान का कौल इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन का तर्जुमा यह है, अहले ईमान इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे। जब उनसे कहा जाए आओ अल्लाह के रसूल अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ, ताकि वो फैसला करें, तो कहते हैं सुन लिया हमने, मान लिया। बात सुन भी ली हमने, उसके लिए अमल भी करने तैयार हैं। ये मोमिन की शान है। कहा कि यही कामयाब हैं। कामयाबी का रास्ता यही है कि हमारे झगड़ों का, हमारे इख्तिलाफात का, घर के हों, बाहर के हों, बाजार के हों, अदालत के हों, कहीं भी हों, हमारे इख्तिलाफात का फैसला खुदा का कानून करेगा। कुरान कहता है कि किसमें कामयाबी होगी, और उसके बाद फरमाया अगर कोई शख्स अल्लाह से डरता है, वमन यख्शा अल्लाह होता है, खुदा से डरता है, उसका तकवा अख्तियार करता है, तो ही फलाह पाएंगे, अल्लाह ताला बेहतर रास्ता निकालेगा। तो ये एक बात तो कुरान ये कहता है कि अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का जब हुक्म हो तो सिर्फ ये होना चाहिए, और इसमें सराहत के साथ कहता है मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं है। यह नहीं कि आप कहेंगे सब औरतों को तो छोड़िए, या औरतें कहें ये मर्दों का मसला है, नहीं। कहा वमा काना लि मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन लन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, हमें यासिल्लाह और रसूल फकर जल्ला मुबीना। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लिए जायज नहीं है कि अल्लाह और रसूल का फैसला आ जाए तो कहें कि जरा सोचने दो हमें, नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। अरे अल्लाह का फैसला सुनाया जा रहा है, अल्लाह के रसूल का फैसला सुनाया जा रहा है, तो किसी मर्द और औरत के लिए इसकी गुंजाइश ही नहीं है। कहें आई यकून लहुमुल खियरा, कि मुझे इख्तियार है, जरा सोचो, इसका हक नहीं है। मुसलमान हो तुम, इस्लाम का दामा दाल
इस्लाम का दावा कर रहे हो, याद रखो अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो भटक जाओगे। तो मेरे दोस्त और साथियों, ये बात बार बार समझाई गई है कि मुसलमान को इसका पाबंद होना चाहिए। इतनी आयतें इस सिलसिले में मौजूद हैं कि मुसलमान मर्द हो या औरत, सब अल्लाह के कानून के पाबंद हैं। हमारे देखने की चीज़ यह है कि क्या हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के कानून ही की फरमानरवाई है। एक बात और मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे दरमियान बहुत से मामलात में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम सब भाई भाई हैं। कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे आले ईमान भाई हैं आपस में। ये बात इस पस मंजर में कही गई है कि आहले ईमान के दरमियान झगड़े भी होंगे, तो कहा कि झगड़े भी होंगे उनके दरमियान, मारपीट भी हो जाएगी, तो तुम्हारे दरमियान ऐसे लोग हों उसे रोक सकें। फिर उसके बाद कहा कि भाई झगड़े तो होंगे ही, ये तो भाई हैं, झगड़ों की वजह से उनको अलग नहीं कर सकते तुम। उसने कहा याद रखो इन्नमल मुमिनून इख्वा, कितनी बड़ी बात कहा, वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, आहले ईमान के दरमियान मारपीट हो जाएगी। मैंने एक मजलिस में कहा तो एक मौलवी साहब ने कहा कि नहीं बात आपने बताई हमें, मैंने कहा लड़ाई झगड़े के बावजूद वो ईमान वाले हैं, ईमान के दायरे से नहीं निकलेंगे, मारपीट हो रही है, तो कहा कि फैसले हो भाई नहुमा, उनके दरमियान सुलह सफाई कराओ, किस लिए हो तुम। फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फकातिलु लती तबगी, कोई बात ना माने तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होना चाहिए जो जुर्म का रास्ता इख्तियार करे उसे रोक सको। तुम्हारे समाज के अंदर, तुम्हारी सोसाइटी के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि दो मुसलमान या दो मुसलमानों की जमातें लड़ रही हैं और एक हक बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसका हाथ पकड़ सको। उसके बाद कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, अरे भाई ये तो भाई ही तुम्हारे, फअस्लिहू बैन अखवाइकुम, दो भाई लड़े हैं तो उनके दरमियान सुलह सफा करो, सब सफाई कराओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला की रहमत तुम पर नाजिर होगी, लअल्लकुम तुरहमून। मेरे दोस्त और साथियों, हमारे दरमियान इख्तलाफात होते हैं और किन बातों पर होते हैं, उन बातों पर होते हैं या तो दुनियावी मामलात में होते हैं या दीनी मामलात में जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, बेमाना झगड़े होते हैं। कुरान कहता और उसमें मालूम हुआ कि भी आपस में लड़ाई हो रही है। ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि हैरत होती है कि मुसलमान ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो कहा गया कि मुसलमानों में भी लड़ाई हो सकती है, तो कहा कि ये भाइयों की लड़ाई है, भाइयों के दरमियान सुलह सफाई कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे ये इस काम से हमने अलग कर लिया हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो मुसलमानों के दरमियान सुलह सफाई करना ये बहुत बड़ा अल्लाह का की रजा का सबब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत तो एक उम्मत है, और इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो मामूली हैं। आपने फरमाया तरल मोमिनी नफी तराहुहिम व तातुफिहिम व तवादुहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़स्तक़ा मिन्हु उज़्वुन तदा लहु सायरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा, कहा कि सारे मुसलमान एक जिस्म है, एक जिस्म है,
आपने फरमाया देखोगे तुम, देखोगे तुम, उनकी सोसाइटी को देख के तुम समझ सकते हो, उनको देख के तुम समझ सकते हो। कुरान ये अल्फाज ऐसे ही मौके पर इस्तेमाल करता है कि वो उनकी जिंदगी में नुमाया हो। जैसे कुरान ने कहा तराहुम रुकन सुज्जद यब्तगून फजलन मिनल्लाहि रिज़वाना, तुम देखोगे अपनी आंखों से, सर की आंखों से देखोगे कि अल्लाह के सामने सजदा रेज होने वाले हैं, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले हैं। तो यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तराहुम, तुम उनको देखोगे। तरल मुमिनी नफी तराहु, वो आपस में ऐसी मोहब्बत करते हैं और उनके दरमियान उल्फत का ऐसा ताल्लुक है जैसे एक जिस्म हो वो। और कितनी उम्दा मिसाल दी है, ये चाहता है कि कुछ देर उसकी तशरीह करूं मैं। फरमाया वो सब एक जिस्म है और एक जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म परेशान हो जाता है। आप जानते हैं जिस्म के मुख्तलिफ काम हैं, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, आंखों का काम अलग है, कान का काम अलग है, दिल का काम अलग है, गुर्दों का काम अलग है, दिमाग का काम अलग है, लेकिन ये सब मिलकर ये जिस्म है। जिस्म ये नहीं देखता कि किसका काम अच्छा है, मामूली है, किसका बड़ा है। पैर में कांटा चुभता है, जूते में कहीं कील आ गई, आदमी चौंक पड़ता है, पूरा जिस्म सनसना जाता है, क्या है ये? नाखून ज्यादा जरा सा ज्यादा कट जाता है, चीख पड़ता है। ये नहीं कहता कि अरे नाखून का मामला है। यही समझाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारे काम मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन तुम सब एक जिस्म हो। कभी आदमी ये नहीं कहता मामला ये जो है नाखून का है। तो मेरे दोस्त और साथियों, ऐसी एक उम्मत वजूद में आनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे दरमियान जो इख्तलाफात हों वो ख़त्म हों और हम दुनिया को ये बताएं कि हम एक उम्मत हैं। और दोस्तों याद रखिए, इसी में हमारी कामयाबी भी है। अगर आप एक नहीं होंगे तो दुनिया में आपका कोई एतबार नहीं होगा। सेंसस के हिसाब में, सेंसस के हिसाब से आप यही इस मुल्क में 15% है। आप कुछ ज्यादा बताएंगे अपने आप को? वैसे मेरा ख्याल है सेंसस को चैलेंज करना आसान नहीं है, वो साइंटिफिक चीज है। तो सेंसस के हिसाब से आप 15% हैं, तब भी आपकी की आबादी जो है 17-18 करोड़ बनती है यहाँ। तो इतनी बड़ी आबादी, अगर मालूम हो कि उसकी एक आवाज है, क्या उसे नजरअंदाज कर सकेगी दुनिया? अरे छोटे छोटे ग्रुप उठते हैं, आवाज लगाते हैं, दुनिया मुतवज्जे होती है, अरे भाई किसकी आवाज है ये? 15-17 करोड़ की आबादी अगर ये एक आवाज हो तो क्या दूसरे दुनिया नजरअंदाज कर सकेगी? ये मुल्क नजरअंदाज कर सकेगा? लोग कहेंगे कि भाई आवाज कैसी है, जरा सुनो। लेकिन मालूम हुआ हम तो 70,000 फिरकों में बटे हुए हैं, हमारी एक आवाज नहीं है, तो फिर कैसे आपकी आवाज सुनी जाएगी? और खास तौर पर जमहूरी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में तो आवाम की आवाज ही असल ताकत होती है। अब यहां कोई बादशाह नहीं है, इख्तदार आवाम के हाथ में है और आवाम आपकी आवाज उसी वक्त सुनेंगे जबकि मालूम हो कि उसमें एक जान है। लेकिन मालूम हो कि मरी मरी आवाज है आपकी। आप हैं तो 16-17 करोड़, लेकिन आप
इतने ग्रोहों में बटे हुए ही, आपकी एक आवाज नहीं है तो कोई आपकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। जिसे कुरान ने कहा वला तनाजउ फतफशलु, आपस में ना लड़ो, कमजोर हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। वो तज हमारी हुक्म, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और क्या उखड़ेगी बताइए। मैं तो ये आयत पढ़ के कभी कभी कहता हूं जैसे कुरान आज बोल रहा हो, आज बोल रहा हो, आपस में ना लड़ो, कमजोर हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। उखड़ गई। अल्लाह ने तो ये कहा था इसमरु वो साबिरु वो राबितु, जमे रहो, जुड़े रहो। इस गुरु साबिरु का मतलब यह है ए ईमान वालो, जुड़े रहो, मिले रहो, तुम्हारा रब टूटने ना पाए। जैसे महाज जंग पर फौजी जुड़े रहते हैं, उसी को राबता कहते हैं अरबी में। वो रब इस तरह का हो जैसे फौजी महाज जंग पर जुड़े रहते हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात नहीं होते, एक आवाज पर हरकत करते हैं और एक सीटी बजी कि सब हरकत में आ गए। तो कहा कि इस तरह तुम्हें जुड़े रहना चाहिए। तो मेरे दोस्तों और साथियों, हम कहने को तो कहते हैं, फख्र के साथ कहते हैं, और खुशी भी होती है, और दुनिया ये सोचती है। मुझे तो कभी कभी बाहर जाने का भी मौका मिलता है, जब मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान वहाँ इतनी बड़ी तादाद में ही, तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। मैं कहते हैं कुछ सारी अरब दुनिया की आबादी हमारे आबादी का एक चौथाई भी नहीं है। तुम अपने अपने मुल्कों की बहस करते हो, इस मुल्क के बारे में गौर नहीं करते। तो मेरे दोस्त और साथियों, आपकी आवाज़ उस वक्त बावजन होगी और एक जमहूरी मुल्क में सुनी जाएगी। जमहूरी मुल्क में आवाज़ ही सुनी जाती है, यहाँ किसी फर्द की हुकूमत नहीं है और किसी ग्रुप की भी हमेशा के लिए हुकूमत नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी। तो ऐसी सूरत में आपको अपने इतिहाद का सबूत देना होगा, तभी आपकी आवाज का वजन महसूस किया जाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, हम इस मुल्क में इसीलिए चाहते हैं कि यहां डेमोक्रेसी रहे। क्यों रहे? इसलिए रहे कि डेमोक्रेसी ने यह हक दिया है कि हर शख्स अपने मजहब पर अमल कर सकता है, उसकी तबलीग कर सकता है, और तबलीग के नतीजे में लोग मजहब तब्दील भी कर सकते हैं, और लोग तब्दीली मजहब का के खिलाफ बिल लाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो दस्तूर से टकराती है बात, इसलिए अब तक उसमें कामयाब नहीं हो सके। कोर्ट ने यह कहा कि जब आप किसी को तबलीग का हक देंगे तो तब्दीली मजहब भी होगी, उसी को आप खत्म कीजिए। तो मेरे दोस्त और साथियों, हमारी ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क के अंदर हमारी आवाज़ भी सुनी जाए, हमें आज़ादी हो अपनी बात रखने की, अपने इबादात तौर तरीके पर अमल करने की, अपने इदारे खोलने की। अब भी जो इजाज़त आपको हासिल है और इसके तहत आपने बहुत से इदारे खोल रखे हैं, और पार्टीशन के बाद तालीमी इदारे नॉर्थ के मुकाबले में साउथ में बहुत ज्यादा खुले, और इतने खुल गए कि अब उनके लिए अफराद मिलने मुश्किल हो गए हैं। इतने इदारे खुले। सैयद हामिद साहब मशहूर आदमी ही, उन्होंने एक मरतबा कहा तालीमी मैदान में अब पेंडोलम झुक गया है साउथ की तरफ। पेंडोलम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था, मैं मजलिस में उसमें मौजूद था। तो उन्होंने इतने इदारे खोल लिए आपने, यह हक हमारा बाकी रहना चाहिए। दूसरी बात यह है, यह हक इसलिए भी बाकी रहना चाहिए, हम अपना पैगाम इस मुल्क में सुनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। लोगों, तुमने हर तरह का तजुर्बा किया, हर चीज को देखा, हर चीज को आजमाया, हर फिक्र को देखा, उसके नतीजे भी देख लिए, जरा मेरी बात भी सुन लो, मैं एक रास्ता दिखा रहा हूं उस पर सोच लो। अगर वो रास्ता सही है तो खुदा के लिए ये ना देखो कि कहने वाला कौन है। अगर मेरा इलाज
किसी मुसलमान डॉक्टर से हो सकता है तो उससे कराऊंगा, किसी गैर मुस्लिम डॉक्टर से हो रहा है तो उससे कराऊंगा, किसी क्रिश्चियन से हो रहा है उससे कराऊंगा, किसी सिख से हो रहा है उससे कराऊंगा। तो आपकी के अमराज का इलाज अगर मैं बयान कर रहा हूं और वो सही है तो ये नाइंसाफी होगी और गैर इंसानी हरकत होगी। आप कहेंगे कि मैं मर जाऊंगा तेरी दवा नहीं इस्तेमाल करूंगा। अभी हमारा मुल्क इस मुकाम पर नहीं पहुंचा है। बस आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उससे कहें कि हमारे पास भी एक नुस्खा है, ये देखो अल्लाह की किताब है, इत्तेफाक से मेरे घर पे रखी हुई थी, मैं अब तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, पढ़ो देखो। अब तुम कहोगे मैं अमल नहीं कर सका, ठीक है मैं नहीं अमल कर सका, तुम देख लो, अल्लाह की कमानत थी। कुरान यही कहता है कि पैगंबर जो आते हैं वो कहते हैं कि मैं नासिहुन अमीन, मैं मुखलिस हूं तुम्हारा और अल्लाह की अमानत तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। तो हम ये चाहते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर जमहूरियत इसलिए बाकी रहे कि हमें अल्लाह का पैगाम अभी पहुंचाना है। बहुत गफलत की, सदियों की गफलत की, कुछ लोगों ने यकीनन कोशिशें भी की, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर ये पैगाम अभी नहीं पहुंच सका है कि मुसलमान अल्लाह की हिदायत के आलमबरदार है। उसमें हमारी भी कामयाबी है, तुम्हारी भी कामयाबी है, ये हमारा हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अब जो इलेक्शन होने वाला है इसमें बातें भी आ गई हैं, एक बात मैं यही अर्ज करूंगा कि हम ये देखें कि इस वक्त यहां के दस्तूर ने जो हुकूक आपको दिए हैं, देखिए ये अल्लाह के दिए हुए हुकूक नहीं है, दस्तूर ये बात, दस्तूर इस बात का नाम है, कोई तरह का कमिटमेंट होता है आपके और हुकूमत के दरमियान, यानी हुकूमत आपसे वादा लेती है और आप वादा करते हैं। तो ये जो कमिटमेंट है हमारा हुकूमत के साथ ये कि हमें यहाँ आज़ादी हासिल रहेगी, तो इस आज़ादी को इस्तेमाल कीजिए तालीमी इदारों के सिलसिले में, दूसरी और खिदमत खल्क के कामों के सिलसिले में, इन सब कामों के लिए आप इन इदारों को इस्तेमाल कीजिए, और जितने भलाई के काम हैं उन सब के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उसकी इजाज़त है कि उस पर इसे इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम यह है अल्लाह का दीन उन तक पहुंचाइए, और कबूल करें या ना करें, लेकिन आप अल्लाह से कह सकते अल्लाह जो अमानत हमारे हवाले थी उन्हें की थी वो हमने तुझ तक पहुंचा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में फरमाया था कि अल्लाह का दीन मैंने पहुंचा दिया तुम तक। लोगों ने कहा हाँ पहुंचा दिया। काफल युबल्लिगिश शाहिदुल गायब, जो यहां मौजूद है वो उन लोगों तक पहुंचा दे जो यहां मौजूद नहीं है। यही काम आपको करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे भी इसकी तौफीक दे, आपको भी अपनी तौफीक से नवाजे, और इसी में हमारे मसाइल का हल भी है। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।